हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले हमने कंपोनेंट देखे थे कंप्यूटर नेटवर्क के, कौन कौन से होते हैं। तो फीचर की बात करते हैं, तो फीचर में आपका होता है सबसे पहला कम्युनिकेशन स्पीड फास्ट होता है, फाइल शेयरिंग है, स्केलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग है, बैकअप एंड रोल बैक इज ईजी होता है इसमें, रिलायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। तो ये डिफरेंट आपके फीचर हैं। जब आप पेपर में लिखें तो इसी टाइप से पहले डायग्राम बनाएं प्रॉपर। जो मार्क्स आपको मिलते हैं पेपर में वो इसी चीज़ के मिलते हैं, आपका डायग्राम बना होना चाहिए। और थ्योरी में आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो भी आपका चलता है। तो सबसे पहले आपके फीचर की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका कम्युनिकेशन स्पीड। सो नेटवर्क प्रोवाइड एस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क इन फास्ट एंड इफेक्टिव मैनर। मतलब आपका जो भी डेटा सेंड एंड रिसीव करना है नेटवर्क के थ्रू आपका फास्ट है, बहुत ही फास्ट हो जाता है एंड इजीली आप सेंड कर सकते हैं डेटा को, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई मेल मैसेजिंग एक्सेट्रा ओवर द इंटरनेट। द कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रेट वे टू शेयर ओवर नॉलेज एंड आइडिया। अपने नॉलेज एंड आइडिया को आपको शेयर करना है तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर सकते हैं या ईमेल मैसेजिंग आप कर सकते हैं। तो वो आपका पूरा एक नेटवर्क का कंडीशन है जिसके थ्रू आपका स्पीड अप हो रहा है। पहले आपके देखिए पोस्ट ऑफिस में आप लेटर डालते थे, वो लेटर कब तक आपका पहुंचता था वो पता नहीं, अब आप मेल कीजिए तुरंत आपका मेल के थ्रू आपका वो स्पीड अप हो जाता है जो भी आपका प्रोसेस परफॉर्म करना है। तो ये आपका नेटवर्क ने क्या कर दिया, स्पीड कर दिया है। फाइल शेयरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट विद देयर हेल्प यू कैन इजीली शेयर द फाइल बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू आपके जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं उन कनेक्टेड नेटवर्क में या सिस्टम पे आप इजीली एक सिस्टम से सारे सिस्टम में एक ही टाइम पर डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फाइल को। तो वो भी नेटवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फीचर है आपका। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली मींस दैट वी कैन ऐड न्यू नोड और कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इजीली। देखिए आपके पास बहुत सारे नोड कनेक्टेड है, उसमें आपको नया नोड ऐड करना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वायरिंग करनी है और कनेक्ट कर देना है उसको, तो वो भी आपका नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। एनी कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल सो वी कैन एक्सटेंड इट इजीली। इजीली आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, इजीली नया नोड आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन मीडिया की स्पीड को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी नोड जो है वो ऐड कर, नोड का मतलब होता है आपने सिस्टम ऐड किए हैं। देखिए यहाँ पर आपने मल्टीपल सिस्टम ऐड किए हैं, ये आपका एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है एंड ये आपका तीसरा सिस्टम है, ये आपके कनेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए आपने नया सिस्टम इसमें ऐड करना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो यानी नया नोड आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके स्पीड अप भी ये रहेगा, तो वो एक कंडीशन है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेजर यूजिंग रिस्पॉन्स टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। मतलब इजीली आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ रही है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ सेंडर एंड रिसीवर डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर शुड बी मिनिमम। मतलब उनके बीच में जो सेंड करना है, डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है, उसका टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को शेयर भी कर सकते हैं। एक ही हार्डवेयर है आपका, मान लीजिए प्रिंटर है और डिफरेंट सिस्टम पर आपको शेयर करना है तो आप इजीली उसे शेयर कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी इसका एक मेन फीचर है। वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन द मेन सर्वर। एक सर्वर पे आपने इंस्टॉल किया कोई भी एप्लीकेशन, उस सर्वर के थ्रू आप उस एप्लीकेशन को डिफरेंट सिस्टम पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर वी यूज टू एक्सेस द एप्लीकेशन सेंट्रली। सेंट्रली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी एक्शन। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं बैकअप एंड रोल बैक इज इजी। सिंस द फाइल आर स्टोर इन द मेन सर्वर, आपकी फाइल जो है मेन सर्वर पर स्टोर है, सेंट्रलाइज लोकेटेड है, तो आप इजिली उसका बैकअप ले सकते हैं, इजिली आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी। वेन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देयर आर फ्यूअर चांसेस फॉर द
ऑकरेंस ऑफ फेलियर, आपका जो फेलियर है वो आने के चांसेस भी आपके बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो मेन सॉरी आपका जो एप्लीकेशन है वो मेन सर्वर पे है। आप मेन सर्वर पे कुछ काम नहीं कर रहे, अपने सिस्टम पे काम कर रहे, तो सर्वर आपके सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका रोल आपका सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही है चांस फॉर ऑकरेंस ऑफ फेलियर एंड इन केस इफ देयर इज ऑफ एनी फेलियर द रिकवरी इज फास्ट। अगर आपका फेल भी हो जाता है तो इजीली आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, दस कंप्यूटर नेटवर्क शुड बी सिक्योर सो दैट डेटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क शुड बी सेफ फ्रॉम एनी अनऑथोराइज एक्सेस। मतलब जब डेटा आप सेंड एंड रिसीव करते हैं नेटवर्क पे तो डेटा आपका सिक्योरली सेंड एंड रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। HTTP आपका है, FTP है आपका, SMTP है। इन प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डेटा सेंड एंड रिसीव होता है जिससे आपका अनऑथोराइज यूजर जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। डेटा सेंड बाय दी सेंडर नोड्स शुड बी रिसीव एज इट इज एट दी रिसीविंग नोड, विच सिंपली मीन्स देयर शुड बी नो लॉस ऑफ डेटा। आपका डेटा का लॉस भी नहीं होता है, कोई हैकर आपका डेटा को हैक भी नहीं कर सकता नेटवर्क में। तो वहां पर आप क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, वो भी आपका नेटवर्क का ही पार्ट है। तो वो सारे प्रोसेस होता है, आगे हम लोग इसको देखेंगे भी, नेटवर्क सिक्योरिटी आपका होता क्या है, कैसे वो क्रिप्टोग्राफी कैसे अप्लाई होती है, तो वो सारे ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स थे, ये थे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।